नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। बीते दिनों अब्बास अंसारी से मुलाकात कर जेल से बाहर निकल रही उनकी पत्नी निखत अंसारी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब अब्बास अंसारी से मिलने वाले कई और नेताओं की जाँच हो सकती है। इसमें कई समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम भी शामिल है। क्या है पूरा मामला, देखिए आज के इस रिपोर्ट में। अब्बास अंसारी पर व्यापारी को धमकाने का आरोप है। व्यापारी की शिकायत पर ही डीएम और एसपी ने जेल में छापा मारा था। सूत्रों का दावा है कि अब्बास अंसारी जेल के अलग कमरे में रात बिताता था। पुलिस की छापेमारी में ही जेल से मिलकर बाहर निकल रही उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास मोबाइल के अलावा कई और चीजें भी बरामद हुई है। इस वजह से अब अब्बास अंसारी से मिलने वाले नेताओं के रिकॉर्ड निकाले जाएंगे। इसमें कई सपा नेताओं का नाम भी आने की संभावना है। वहीं पुलिस अब्बास अंसारी से जुड़े कुछ लोगों की तलाश कर रही है। कौन उनके परिवार को शरण दे रहा था, कौन कमरा दिलवा रहा था और कौन कौन इसमें शामिल था, इन सभी सवालों का जवाब प्रशासन तलाश रहा है। इसको लेकर पुलिस की जांच अभी भी जारी है। इसमें संभावना है कि सपा के कई बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में अगर उनका नाम आता है तो पुलिस उन पर भी शिकंजा कस सकती है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि जेल के प्रशासनिक अधिकारियों को काफी महंगे गिफ्ट दिए थे। यहां तक कि इनोवा कार भी गिफ्ट में दी गई थी, जिसके बाद अब्बास अंसारी को जेल में खास सुविधाएं मिल रही थी। अब्बास अंसारी से मिलने के लिए लोग कभी भी आते थे और कभी भी जाते थे। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी और ना ही कोई लिखा पढ़ी हुआ करती थी। लेकिन अब इस राज के खुलने की संभावना है। प्रशासन जेल के रिकॉर्ड और सीसीटीवी खंगालने में लगा हुआ है। मऊ से विधायक अब्बास अंसारी से जेल में अवैध तरीके से मुलाकात करने पर उनकी पत्नी निखत बानो को भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें भी उसी जेल में रखा गया है जिसमें अब्बास बंद है। निखत अपने पति अब्बास से अवैध ढंग से मुलाकात करती थी और ये मुलाकात 4-5 घंटे के लिए होती थी। वहीं अब इस मामले के बाद प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।